हेलो साथियों, हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार आपका भाई चंदन इस वीडियो में आपके सामने पुनः आ चुके हैं। साथियों, मेरी प्यारी सिस्टर, आज मैं खुद को प्रूफ एक बार पुनः कर देता हूं। आप लोग बोल रहे थे ना कि सर एग्जाम कैसे होगा बीटीएससी एएनएम के लिए, अब आप आंख खोल करके साफ साफ क्लियर क्लियर देख लीजिए आज के इस वीडियो के माध्यम से। अब स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम पद के लिए, एएनएम नर्स के लिए, एएनएम के लिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, अगला जो वैकेंसी आएगा, परमानेंट वैकेंसी की बात कर रहा हूं, उसमें परीक्षा लेकर के आपकी नौकरी दिए जाएंगे और ये परीक्षा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगा। ये बात मैं आज से नहीं, 3 महीना 4 महीना पहले से बताते आ रहा हूं, लेकिन आज कैबिनेट का बैठक था और कैबिनेट के बैठक में स्वीकृति भी मिल चुका है कि अब एएनएम की जो नियुक्ति होगा, नौकरी होगी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग माध्यम से परमानेंट नौकरी, वो परीक्षा लेकर के दिए जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2-3 चीज अपडेट दूंगा कि यहाँ पर सरकार कैबिनेट के बैठक में क्या क्या फैसला लिए हैं, उसका प्रूफ दिखाऊंगा। साथ ही अब हम लोग एएनएम की तैयारी कैसे करेंगे नौकरी के लिए, उसका नोट्स कैसे लेंगे, क्लास कैसे लेंगे, वो भी बात करेंगे। साथ ही आपको बहुत सारी इंपोर्टेंट जानकारी की बात करेंगे। सबसे पहले आज जो कैबिनेट के मीटिंग में फैसला लिया गया है एएनएम के लिए, उसका वीडियो देख लीजिए, फिर हम लोग नोटिस पर चलेंगे। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पर आज के कैबिनेट में लिया गया फैसले का पूरी डिटेल्स जानकारी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम का संवर्ण नियमावली 2018 संशोधित किए हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 संशोधन है, महत्वपूर्ण संशोधन है। पहले तो है कि अब परीक्षा के माध्यम से ही है बहाली होगी। पहले मार्कशीट के आधार पर होती थी, अब परीक्षा के आधार पर बहाली होगी। और दूसरा मेजर संशोधन इसमें यह है कि ये जिला काडर नहीं होगा, अब यह राज्य काडर होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो अब होगा। तो आपने स्पष्ट लैंग्वेज में देख लिए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि एएनएम की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है बीटीएससी के माध्यम से ही होगा। ये बात समझ लीजिए, वो अब आप लोग को लिखित एग्जामिनेशन लेकर के होंगे, जो कि 2023 नियमावली अब आपके सामने बनकर के तैयार हो चुका है। ये बात हमने पहले भी बताया था और आज के कैबिनेट के लिए गए फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी कंप्लीट यहाँ पर कर दिया गया। अब चलिए नोटिस देख लीजिए स्क्रीन पर। मेरी प्यारी बहन, हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और आज के कैबिनेट के बैठक में लिए गए निर्णय को अब आप लोग देख लीजिए। आज है 30 मई 2023 मंगलवार को अपराह्न 4:30 में मंत्रिपरिषद के बैठक की कार्यवाही हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इनके अध्यक्षता किया और इसमें बहुत सारे विभागों के लिए अलग अलग निर्णय लिए गए। उसी बीच अगर आप लोग स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में एएनएम पदों के लिए भी यहाँ पर निर्णय ले चुका गया है कि अब जो आपकी जो प्रक्रिया होगा वो आपकी परीक्षा लेकर के होंगे। चलिए हम आपको नोटिस पर लेकर चलते हैं और पूरी जानकारी यहाँ से दिखा देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, ये नोटिस मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति के संबंध में आपको 4-5 दिन हम पहले ही बताए थे कि अब नियमावली बन रही है, अब आप लोगों के लिए परीक्षा लेकर के एएनएम की नियुक्ति किए जाएंगे और ये बीटीएससी के माध्यम से किए जाएंगे। देख लीजिए 2018 नियमावली यहाँ पर हट गया, अब नियमावली 2023 आ चुका है, इसकी गठन हो गया, इसकी स्वीकृति यहाँ पर भी मिल चुके हैं। तो अब आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए वीडियो को और भी आगे हम लोग करते हैं। तो मेरी प्यारी सिस्टर, आपने कंप्लीट जानकारी देख लिया कि बिहार कैबिनेट में अब स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम के लिए बीटीएससी के द्वारा जब नियुक्ति निकाले जाएंगे तो उसमें परीक्षा लिए जाएंगे। तो विलंब किस बात की, आपके स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर फोन करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपना एएनएम का नोट्स लीजिए। क्लास लेनी है तो क्लास भी अब शुरू करने वाले हैं, क्लास का भी अब आप लोग बुकिंग जल्दी करवा लीजिए, परचेज कर लीजिए, क्लास का कॉस्ट भी बहुत कम लगे हैं। सारे बातचीत हम लोग करते रहेंगे, व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके चैट कर सकते हैं। आप लोग कॉल करने से बजाय अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो आप लोग को बेहतरीन जानकारी दी जाएंगे। तो अब आप लोग सोइए मत, उठ जाइए, जागिए, अब मैं पढ़ाने के लिए तैयार हो चुका हूं, पूरी रणनीति के साथ अभी से मैं तैयारी करवाऊंगा, जिससे कि धीरे धीरे, मैं जानता हूं कि लड़कियों को लिए, महिलाओं के लिए घर में कार्य बहुत होते हैं, बहुत सारी चीजें होता है, इसलिए मैं धीरे धीरे
अभी से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो, बेस्ट तरीके से हो और एक बार में आप लोगों की एग्जामिनेशन निकल जाए। इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को विराम दूंगा, साथ ही मेरी सिस्टर मेरी प्यारी बहन इस वीडियो को सबके पास पहुंचा दीजिए कि अब ANM की परीक्षा लेकर के तैयारी होने वाली है, नौकरी होने वाली है, तो तैयारी अभी से शुरू करेंगे। क्लास नोट्स के लिए दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, नोट्स लीजिए, फटाफट अब अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ, थैंक यू।